तुलसी सिलावट के नामांकन फॉर्म भरने पर कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा। चुन्नू मुन्नू चला रहे थे सरकार, जवाब में नरेंद्र सलूजा ने दिया जवाब। मुन्नू को दी थी संभाग की जवाबदारी, लेकिन जिताने में लगे थे नन्नू को। सावर में मंत्री तुलसी सिलावट ने गुरुवार को सावर उपचुनाव के लिए नामांकन दर्ज किया। सभा में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने भाषण में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया जैसे ही मोदी की ट्रेन में बैठे, चुन्नू मुन्नू की दुकान बंद हो गई। आलू डालकर सोना निकालने वाले पप्पू ने 10 दिन में कर्ज माफ की बात कही थी, लेकिन कर्ज माफी नहीं की। अब बताओ गद्दार कौन। इस पर कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने पलटवार कर जवाब दिया कि मुन्नू को संभाग की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वे अपने नन्नू को जिताने में लगे रहे और बाकी जगह से हार गए। आपको बता दें कि तुलसी सिलावट साइकिल में नामांकन दर्ज कराने तहसील कार्यालय पहुंचे थे और अपनी सभा में मंच से ही जनता को दंडवत प्रमाण किया। रैली में तुलसी ने तो मास्क लगाया था, लेकिन अन्य कार्यकर्ताओं ने नहीं। जहां 100 की अनुमति थी, वहां 1000 पहुंच गए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान ना रखने पर विधायक रमेश मेंदोला और विजय व्यास पर भी केस दर्ज किया गया। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह और अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। काफी लोग, कितनों को मिला जरा? 5 रुपए प्रति नहीं मिला। नौजवानों से वादा किया था कि तुम्हारे खाते में 4000 चले जाएंगे। अब देखिए कितने नौजवान है जिनके, बेरोजगार नौजवान है जिनके खाते में 4000 गए, जरा बताना मुझे। किसी नौजवान के खाते में नहीं गए। अब कांग्रेस की हालत यह है, कांग्रेस के नेताओं की हालत यह है, दोनों चुन्नू मुन्नू दिग्विजय जी और कमलनाथ जी, ये दोनों चुन्नू मुन्नू इतने कलाकार हैं कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, मैं भी सदूर प्रचार कर रहा था, मैं भी देख रहा था हेलीकॉप्टर से कि चुन्नू की सभा में कितनी और मुन्नू की सभा में कितनी भीड़। मैं देखता था कहीं 50 की भीड़ और कहीं 100 की भीड़, लोग आते ही नहीं थे इनकी सभा में। फिर उन्होंने सिंधिया जी को पकड़ा और सिंधिया जी को अपना वचन पत्र दे दिया। सिंधिया जी खानदानी आदमी, राजा महाराजा घराने में पैदा हुए, उन्होंने भी बड़ी बाहें ऊंची कर करके बोल दिया इन चुन्नू मुन्नू की बात में आ गया और बोला कि हाँ किसानों का 2 लाख का कर्ज हम माफ करेंगे, 8 दिन में माफ कर देंगे, दूध वालों को 5 रुपए देंगे, 5 रुपए बोनस देंगे। 8 दिन निकले, 15 दिन निकले, 16 दिन निकले, 8 महीने निकल गए। 8 महीने सिंधिया जी ने बोला, कमलनाथ जी आपने मुझसे कहलवाया सारे प्रदेश में कि कर्जा माफ होगा, बोनस मिलेगा, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ता मिलेगा, कुछ भी नहीं कर रहे, क्या होगा? अरे दो है, चार है, अभी जरा जल्दी में वो खजाने में पैसा नहीं है, चलो चलो बाद में देखते, चलो चलो बाद में देखते। ये कमलनाथ जी की एक्शन, ये दोनों चुन्नू मुन्नू, एक मुख्यमंत्री बन गया, दूसरा ट्रांसफर उद्योग लेकर अपने बंगले पर बैठ गया, एक ट्रांसफर करा रहा था और नोट गिन रहा था, और एक मुख्यमंत्री पद पर बैठकर वहां पर ऐश कर रहा था। बेचारे सिंधिया जी इधर उधर गली कूचे में घूम रहे थे, लोग उनको पकड़ रहे थे कि भैया कर्जे का क्या हुआ, दूध का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।